भोजन सात्विक होगा तो विचारों में निर्मलता आएगी, जिससे स्वयं के जीवन, घर, परिवार, समाज और देश में शांति की स्थापना होगी। अतः सदैव सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शुद्ध सात्विक रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम खुरमा बना रहे हैं, इसकी सामग्री बता रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने लिए एक कटोरी गेहूं का आटा, जिसकी कि हम रोटी बनाते हैं। आधा कटोरी गुड़ लिया था, उसको पानी में उबालकर छान लिया है। कुछ नारियल का बुरादा लिया है, बड़ी इलायची ली है, चुटकी भर नमक लिया है और मौन के लिए थोड़ा तेल लिया है। मौन इसमें कमी डालते हैं, नहीं तो ये बिसक जाते हैं। और तलने के लिए हमने तेल लिया है। सबसे पहले हम इसमें आटा डालेंगे। आटा में फिर थोड़ा सा मौन डालेंगे, नारियल का बुरादा डालेंगे। अब इसके बाद हम गुड़ के पानी से इसको उछाल लेंगे। यह आटा उसन के हमारा तैयार हो गया है। इसको हमने थोड़ा टाइट उसना है। अब इसकी ऐसी लोई कर ली है, अब इसको हम बेलेंगे, थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। ये देखिए हमने इसको इतना मोटा वो बेला है। अब इसकी हम पीस कर लेंगे। अब हमारी कढ़ाई में जो हमने तेल रखा था, वो हमारा गरम हो चुका है। अब इसको हम धीमी आंच में डाल लेंगे। अब यह हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, अच्छी ललामी होने तक छोड़ गए हैं धीमी आंच में। अब हम इनको निकाल लेंगे। यह खुरमा बनकर हमारे तैयार हो गए। सभी को सादर जय श्री।